एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3 गेम के टॉप 10 मिथ्स के बारे में। तो चले गाइस गेम को स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करते हैं ग्लिच नंबर एक के लिए सबसे पहले हम लोग को आ जाना है घर के बाहर और वहां पे हमें टाइप कर लेना है M1, मोबाइल निकालना है, RGS टूल में जाना है और M1 टाइप कर लेना है। M1 टाइप करते ही हमारे पास आ जाएगा चेक पॉइंट और चेक पॉइंट में जाना है और उसको मोड ऑन करके इस चेक पॉइंट को लेकर जाना है अंदर। तो भाई मोड ऑन कर लिया है हमने और चेक पॉइंट को उठा लिया है और जा रहे हैं घर के अंदर रखने के लिए। मोड ऑन रखने के बाद सबसे पहले वहाँ पे जाके मोड ऑफ कर लेना है और उसके बाद बाहर आके एक बाइक स्पॉन कर लेना है। तो चलो गाइस हम लोग फटाफट यहाँ पे आ चुके हैं और उसके बाद यहाँ पे रख चुके हैं और अब यहाँ पे मोड ऑफ कर देते हैं। देखिए MOD ऑफ कर दिया, यहाँ पे मोड ऑफ हो चुका है और अपने बंदे को इसके बीच से निकाल लेना है ताकि हमारा बंदा अगर कुछ कहीं से जाए तो फिर यहाँ पे आके अटक जाना चाहिए। तो ये देखो भाई हम लोग इसको अपने यहाँ से निकाल चुके हैं और ये देखिए कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, बाहर जाते हैं और इसको ये देखिए अब एक गाड़ी लेके आना है, गाड़ी को लेकर इसके बीच में से निकाल लेना है। तो भाई गाड़ी से एक काम करते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ 1111 टाइप की और ये देखिए हमारी एक साइकिल आ चुकी है यहाँ पे। इस साइकिल पे बैठ के हम लोग जाएंगे उसके अंदर और वहाँ से इसको बीच में से इसको निकाल लेंगे। तो चलो गाइस मैं बताता हूँ करना क्या है। भाई ये देखो अपनी साइकिल को लेके गए ऊपर और ये देखो मेरा बंदा जो है अभी उसके बीच में से निकलेगा चेक पॉइंट के बीच में से और ये देखो मैं जा रहा हूँ चेक पॉइंट के बीच में से निकलने के लिए और ये देखिए चेक पॉइंट से मैं निकल चुका हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं सीधा रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन जाने के बाद हमारा जो ग्लिच है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स गो। सो गाइस हम लोग यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे हमें अपनी बाइक से उतर जाना है, अपनी साइकिल से, और ये इसके बाद हमें जाना है सीधा ट्रेन के अंदर बैठ जाना है और उसके बाद यहाँ पे हमारी ग्लिच स्टार्ट होने ही वाली है। हम जैसे यहाँ पे बैठेंगे और उसके बाद हमें स्लो मोशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद हमारी ट्रेन और हम सीधा स्पॉन हो जाएंगे अपने घर पर। और ये देखिए गाइस मैं आपको बता दूं तो ये देखो भाई यहाँ पे अगर आप स्लो मोशन करके देखोगे जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मेरा ट्रेन है जो मेरे घर के अंदर आ चुका है वो भी जिम के ऊपर है। तो गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये हमारा पहला ग्लिच है। टू के लिए हमें करना ये है, तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे 200 टाइप करके यहाँ पे हॉर्स को बुला लेना है, स्पॉन कर लेना है और स्पॉन को करते ही यहाँ पे RGS टूल में जाना है और वहाँ पे करना है ड्रोन टाइप DRONE ड्रोन ऑन करना है और उसके बाद यहाँ पे ओके करते ही इस पे बैठने का सिंबल पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारा ड्रोन ऑन तो हो गया है बट हमारा जो कैरेक्टर है वो ड्रोन में ऑन नहीं हुआ। ये देखिए हमें बता दूँ जैसे कि हमारा जो है घोड़ा भी बैठा है और ड्रोन भी हमारा ऑन है और कैरेक्टर गायब हो चुका है, यानी कि दोनों चीज़ एक साथ हो गई, ये हमारा ग्लिच हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए बैठने का उतरने का सिंबल मैं आपको दिखा, देखिए हमारा बंदा उतर चुका है बट यहाँ पे देखिए हमारा हॉर्स चलेगा नहीं। ये देखिए मैं आपको बता दूँ ये हमारा ड्रोन ऑन हो जाएगा और ये देखिए मैं आपको पूरी तरीके से दिखा दे रहा हूँ। ये देखो ये आगे पीछे ऊपर नीचे करके भी दिखा दूंगा और उसके बाद जैसे ही हम लोग यहाँ पे बैठेंगे हमारा हॉर्स भागने लगेगा। तो ये हमारा ग्लिच कंप्लीट होता है। कैसा लगा अभी ग्लिच, कैसा लगा बताइएगा कमेंट में करके। तब तक मिलते हैं अगले ग्लिच की तरफ, मिलते हैं तीसरे ग्लिच की तरफ। तो तीसरा ग्लिच ये है, सबसे पहले आपको 9129 टाइप कर लेना है, अपना हेल्थ बढ़ा लेनी है। उसके बाद आपको टाइप करना है यहाँ पे 3001 और 3001 करते यहाँ पे एक बोट स्पॉन हो जाएगी और उसके बाद इसके पास आके आपको एक चीट कोड एक्टिवेट कर लेना है, इसका नंबर है 20 और 30, जिसको डालने के बाद यहाँ पे जॉम्बीस आ जाएंगे और ये जॉम्बीस आके आपके बोट में आपको मारने लगेंगे। ये देखिएगा इसमें यहाँ पे बोट में बैठ चुका बट ये जॉम्बीस मुझे आर पार आके यहाँ पे मार सकते हैं। ये देखिए मैं बता रहा हूँ जैसे कि जॉम्बीस यहाँ पे मुझे आर पार आके मार सकते हैं बट मुझे यहाँ से निकल जाना है और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ किसी घर के पास, यानी कि किसी घर के पास जाना है और उसके बाद वहाँ पे बोट स्पॉन करके उसके अंदर बैठ जाना है। फिर देखिए आपके पास जॉम्बीस नहीं आएंगे, यानी कि आपको मारने जॉम्बीस नहीं आ सकते। तो भाई मैं किसी घर के पास जा रहा हूँ, यानी कि मेरे बाजू वाले घर के पास ही चले जाता हूँ यार, यहाँ पे यही सही रहेगा। ये देखो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ इसके बाजू में और इस घर के पास आके हमें एक 3001 टाइप करके यहाँ पे ये देखिए बोट में बैठ जाना है। अब गाइस ये देखिए अब आप देखोगे तो ये लोग मेरे बोट में नहीं बैठ सकते, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बोट नहीं बैठेंगे और बोट हमारी सीधा की सीधा आके पानी में चली जाएगी। ये हमारा ग्लिच है। तो ग्लिच पसंद आया तो कमेंट करके बताएगा ज़रूर। मिलते हैं अगले ग्लिच में। गाइस चलते हैं ग्लिच नंबर 4 की तरफ। ग्लिच नंबर 4 के लिए सबसे पहले हमें टाइप कर लेना है 4040 और ये देखिए हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है और यहाँ पे हमारा टैंक स्पॉन हो जाएगा। उसके बाद हमें तुरंत बाद स्टिकी बॉम्ब ले लेना है और उसके चारों तरफ इसको फेंक देना है, यानी कि स्पॉन कर लिया यानी कि फेंक देना लगा देना है और उसके बाद हमारी ग्लिच होगी। क्योंकि अगर हम इसके अंदर बैठेंगे और फायर करेंगे तो फिर देखते हैं हमारा ग्लिच क्या होता है। तो भाई हम लोग सबसे पहले इन बॉम्ब को लगा देते हैं और फिर देखते हैं हमारा ग्लिच कैसे होता है। तो भाई सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बॉम्ब लगा ले रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। भाई ये देखिए हम लोग यहाँ पर लगाते लगाते पूरा सर्कल घूम चुके हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को बैठने का ऑप्शन मिल जाएगा और ये देखिए हम लोग यहाँ पर बैठने के लिए आ गए। और जैसे यहाँ पर बैठेंगे हमें ये जो फायर का बटन है ना ऊपर ले रहे हैं और उसके बाद इससे रिवर्स लेंगे तो देखिए पूरा का पूरा टैंक ब्लास्ट हो जाएगा। गाइस ये हमारी मिथ कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले मिथ्स में। चलते हैं ग्लिच नंबर 5 की तरफ। ग्लिच नंबर 5 के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, 666
सिक्स टाइप करके यहाँ पे अपनी जी वेगन को स्पॉन कर लेना, और जी वेगन स्पॉन करते ही यहाँ पे आपको चीट कोड एक्टिवेट कर लेना है जॉम्बीज का, 20 और 30 टाइप करके यहाँ पे रुक जाना है। उसके बाद यहाँ पे जॉम्ब क्या होगा वो आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ के जॉम्बीज यहाँ पे आप खुद ब खुद यहाँ पे आने लगेंगे। तो गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बैठ जाते हैं, और ये देखिए यहाँ पे जॉम्बीस आने लगेंगे। तो एक जॉम्बीस यहाँ पे आ चुका, एक जॉम्बी आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आते ही भाई ये बिना चले ही गाड़ी, देखिए ये देखिए कैसा आ रहा है वो, बिना मतलब ऑटोमेटिक स्लिप होते ही वो ये हमारे पास आ चुका है। दो जॉम्बीस हमारे पास आ चुके हैं, और ये देखिए तीसरा वाला भी आ रहा है, इसके साथ भी वही ग्लिच होगा। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास आएगा, और ये देखिए ये फिसलता हुआ सीधा इस तरफ आ जाएगा। ये देखिए अब मैं आपको करता क्या मैं बताता हूँ, करना कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी गाड़ी को पीछे ले लेना है। और ये देखिए मैं आपको पीछे लेके दिखाता हूँ, गाड़ी पीछे लेते ही ये होगा कि ये देखिए ये लोग ऑटोमेटिक मरते जाएंगे, जैसे मैं गाड़ी पीछे लूँगा ये मरते जाएंगे। ये देखिए ये होता है, ये हो रहा है, मैं कुछ करूँगा नहीं और ये लोग ऑटोमेटिक मरते जाएंगे। तो ये है 5th नंबर ग्लिच, पसंद आया तो वीडियो में कमेंट करना। ग्लिच नंबर 6 की तरफ, ग्लिच नंबर 6 के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कर लेना है JCB को स्पॉन। तो भाई JCB के लिए हमें यहाँ पे 6677 पे कॉल करना है, और ये देखिए हमारी JCB यहाँ पे आ जाएगी, और हमें बिना हिले ही यहाँ पे और एक चीट कोड एक्टिवेट कर लेना है जिसका नाम है 66666, यानी कि जी वेगन को स्पॉन कर लेना है। उसके बाद देखिए गाइस क्या ही ग्लिच हो जाएगा। ये देखिए भाई जैसे ही दोनों गाड़ियाँ गिरी, दोनों को एक दूसरे में चिपक के दोनों एक दूसरे के साथ उड़ गई हैं। तो ये हमारा 6th नंबर ग्लिच था। ग्लिच पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना, और नया ग्लिच हो तो बताना ज़रूर। चलते हैं ग्लिच नंबर 7 की तरफ, और ग्लिच नंबर 7 के लिए हम लोग को यहाँ पे करना है 3 बार 555 टाइप करना, और यहाँ पे हम लोग को हेलीकॉप्टर स्पॉन कर लेना, और यहीं पे बिना हिले हमें को टाइप करना है जीवेगन का चीट कोड। और ये देखिए यहाँ पे जीवेगन का चीट कोड टाइप करते ही यहाँ पे जीवेगन स्पॉन हो जाएगी इसके ऊपर, और उसके बाद यहाँ पे बैठने के सिम्बॉल पे हम लोग जैसे ही जाएंगे और देखेंगे कि क्या कमाल का ग्लिच होगा गाइस। ये देखिए हम लोग, और ये देखिए गाइस हम लोगों का ग्लिच हो चुका है। मैंने जैसे ही अंदर एंटर किया हमारा जो जी वेगन था वो उड़ चुका था, और हम लोग पता नहीं कहाँ पे आ चुके हैं भाई, ज़मीन में तो है ही नहीं, ऊपर नहीं, सीधा नीचे आ चुके। और यहाँ पे आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपको हेलीकॉप्टर चलाने नहीं आते तो आप यहाँ पे सीख सकते हो भाई, कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पे आपको, बिंदास आप उड़ते चले जाओगे लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आप उल्टा सीधा किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर को ड्रॉ मतलब उड़ा सकते हो। तो भाई ग्लिच पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करना, मिलते हैं अगले ग्लिच में। आ गई है ग्लिच नंबर 8 की बारी, तो ग्लिच नंबर 8 के लिए सबसे पहले हमें कॉल कर लेना है 01212 पे, और यहाँ पे हमारी ट्रक ट्रॉली आ जाएगी। उसके बाद हमें वहीं पे खड़े खड़े हम लोग को जी वेगन स्पॉन करना है। ये देखिए जी वेगन स्पॉन करना है, और ये देखिए हमारा कमाल का ग्लिच हो जाएगा भाई। ट्रक और ट्रॉली, दो ट्रक और ये देखिए जी वेगन, दोनों एक साथ हवा में उड़ जाएंगे। माय गॉड, ये ग्लिच पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं 9वें ग्लिच में। ये ग्लिच नंबर 9 की बारी, और ग्लिच नंबर 9 में हमें करना क्या, 2 NPCs को किल करके हम लोगों को चुपचाप बैठ जाना है, उसके बाद गाइस होगा जादू। ये देखिए एक NPC को मैंने यहाँ पे किल कर दिया है, और दूसरा वाला वहाँ पे भाई उसको भी किल कर दिया, और तीसरे वाले को भी कर देते हैं भाई, 3 स्टार हो जाते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। ये देखिए एक मोहतरमा वहाँ पे थी, उनको भी हमने धो डाला है। अब हमें मोबाइल निकाल के चुपचाप से खड़ा हो जाने का, क्योंकि अब यहाँ पर बहुत ज़ोर से पुलिस आने वाली है। डी ऑन करके यहाँ पर हम लोग चुपचाप से शांत हो जाएंगे। ये देखिए अब हम लोग को वेट करना है भाई पुलिस के आने का, और यहाँ पर पुलिस बहुत ही तेज़ी से आ रही है। देखिए यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ रही है, और यहाँ से भी पुलिस की गाड़ी आ रही है भाई। और ये देखिए भाई मैं बताता हूँ करने का वाला हूँ मैं यहाँ पे, ये देखिए ये मुझे जोर से ठुकने वाला, मैं यहाँ से गायब हो चुका भाई। पुलिस वाले आके मुझे ढूंढेंगे, बट मैं उन्हें मिलूंगा ही नहीं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो पुलिस वाला यहाँ पर निकल चुका है, अब वो लोग कहाँ पर हैं उनको दिखाई ही नहीं दे रहा हूँ भाई। ये देखिए एक पुलिस वाला तो यहाँ पर मरा पड़ा हुआ है, बट उसको कुछ पादों में नहीं पड़ा। और ये देखिए बंदा ये मुझे ढूंढ रहा है, बट मैं इसको नहीं मिलने वाला हूँ गाइज। ये बहुत कमाल की ग्लिच है, मैं देखो एक बार वापस करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मैं वापस यहाँ पे आ चुका हूँ, और देखते हैं भाई ये पुलिस वाला मुझे मारता है या नहीं। तो भाई मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, ये देखिए मैं डी ऑन करने के लिए यहाँ पे एकदम रेडी तैयार हूँ, और देखते हैं क्या होता है भाई। ये देखिए ये मुझे गोली मार रहा है पुलिस वाला, और मैं आपको यहाँ पर जादू दिखाता हूँ भाई। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर जादू दिखाता हूँ, ये देखिए मुझे मार रहा है सामने से। अब मैं इसके सामने जाके गायब हो जाऊँगा, ये देखिए भाई गायब हो गया भाई। इसको अब मैं दिखाई नहीं दूँगा भाई कहाँ पर हूँ मैं, ये बहुत ही कंफ्यूज होकर मुझे ढूंढ रहा है, बट मैं उसको नहीं मिलने वाला हूँ गाइस। ये देखिए मैं सामने से गायब हुआ, और ये मुझे अभी भी वहीं पे ढूंढ रहा है। पहले आ गई है ग्लिच नंबर 10 की बारे, तो ग्लिच नंबर 10 के लिए सबसे पहले हमें कॉल कर लेना है 6677 पे, यानी कि हमें एक JCB स्पॉन कर लेना है। उसके बाद उसके पास ही खड़े हुए हमें एक प्रॉप एक्टिवेट कर लेना है, यानी कि जैसे कि RGS टूल में जाना है, P15 टाइप करके यहाँ पर कॉल कर देना है, और ये देखिए आपको एक प्रॉप यहाँ पे नज़र आ जाएगा जैसे कि वॉल वगैरह है। और ये देखिए इसको मैंने ऊपर कर दिया थोड़ा सा, और ये देखिए मैं यहाँ से नीचे उतर गया। अब आपको बैठ जाना है JCB के अंदर, और ये देखिए मैं आ चुका हूँ JCB में बैठने के लिए। और जैसे ही आप JCB में बैठेंगे, और ये ग्लिच यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी जेसीबी को चलाऊंगा तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये दीवार भी चलेगी भाई। ये देखिए मैंने इसको ऊपर किया नीचे किया, बट इसके अंदर बहुत ही गैप है। देखिए मैं उठा रहा हूँ इसको, बहुत गैप है गाइस। ये देखिए ये है आज की सबसे ख़तरनाक ग्लिच। मैं देखिए मैं अपनी जेसीबी को पूरा घुमा चुका हूँ और ये देखिए मेरा जेसीबी रुक गया, बट ये दीवार नहीं रुकती रही है। ये देखिए अब मैं आपको इसको भी ऊपर करके दिखाता हूँ और इसको भी नीचे करके दिखाता हूँ गाइस। ये देखिए कितना कमाल का ग्लिच हुआ है ना, बहुत ही धमाकेदार ग्लिच हुआ है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कुछ ऐसे ही धमाकेदार लेकर, नया कुछ मिलते, बाय बाय।